मुस्लिम हिंदू सिख ईसाई। 25 दिसंबर से भिवानी दादरी मार्ग पर स्थित कितलाना टोल प्लाजा के पास चल रहे किसान धरना स्थल पर सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सभी धर्मों के लोगों ने किसान आंदोलन को समर्थन दिया। मुस्लिम समाज से प्रधान जोरावर अली ने कहा कि जब तक किसानों की मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक इस धरने पर आते रहेंगे और उनकी तरफ से उन्हें पूरा समर्थन मिलता रहेगा। वहीं सिख धर्म से जुड़े लोगों ने भी धरने का समर्थन करते हुए कहा कि जो आंदोलन पंजाब से शुरू हुआ था वह अब पूरे देश और जन जन का आंदोलन बन चुका है। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार तीनों कानून वापस नहीं लेती तब तक भिवानी का यह टोल प्लाजा फ्री रहेगा, वह आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि 4 तारीख को होने वाले सरकार के साथ मीटिंग में यदि कोई फैसला नहीं निकलता तो उनका धरना भी बिना रुके इसी तरह जारी रहेगा। वहीं इस दौरान ईसाई धर्म से भी कुछ लोग पहुंचे और किसान आंदोलन को समर्थन दिया। इंद्र मोहन सिंह प्रधान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भिवानी से हम आए हैं, संगत सिख संगत आई है। आज सभी धर्मों के हम सर्वधर्म सम्मेलन था। आज मुस्लिम भाई भी जोरावर अली वगैरह भी आए हुए हैं और हमारे यहाँ हेड ग्रंथी जी कीर्तन कर रहे हैं। यहाँ हमारा किसान सभा को पूरा समर्थन है सिख भाइयों का और पूरे सभी जातीय समर्थन है और पंजाब तक और हरियाणा सारा एक है। इस टाइम ये जो 3 कानून काले लगाए हैं ये वापस होने चाहिए और MSP के जो रेट की गारंटी होनी चाहिए, इसीलिए हम इकट्ठे हुए हैं। और सर्वधर्म सम्मेलन चल रहा है और ये चलता रहेगा जब तक ये मांगे नहीं मानी जाएंगी। ये धरना यूं ही जारी रहेगा और हमारा सारा समर्थन इनके साथ है। जोरावर अली मस्जिद कमेटी प्रधान भिवानी जोरावर जी, क्या कहना चाहोगे आप यहाँ पहुँचे हैं टोल प्लाजा? भैया हमारा ये हम तो जाति वाति को न देखते हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब किसानों की समस्या के लिए इकट्ठे हुए हैं और हमारा फुल समर्थन है। तन मन धन से हम किसानों के साथ हैं और अपील करते हैं मोदी सरकार की, इनकी सुनो नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। ये सुनवाई नहीं करी मोदी सरकार, एक बहुत ही घमंडी टाइप की है और हम भाइयों के सहयोग से खुदा पे भरोसा करते आने वाले समय में इंशाल्लाह जल्दी ही समाधान हो जाएगा, नहीं इनको नीचा देखना पड़ेगा। देखो हम यहाँ पर किसानों का समर्थन पहुँचे हुए हैं क्योंकि मैं भी किसान हूँ, गांव तिकड़ाना है, रहता भिवानी हूँ, जमीन है गांव में 50 एकड़, तो हम किसान हैं। हमारे बाप दादा भी किसान थे, सर्विस में भी थे, लेकिन ये जो किसान होने के नाते साथ साथ हम किसानों के धरने पर यहाँ आए हैं और जो मोदी सरकार ने 3 काले कानून पास किए हैं ये बहुत ही गलत है, इससे किसान बिल्कुल बेघर हो जाएगा। सभी धर्मों के लोग बैठे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं और हमारे धरने को समर्थन देने के लिए आए हैं और हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं बार बार कि जो प्राइवेट मंडी है वो तो है टैक्स फ्री और जो सरकारी मंडी है उसमें किसान को टैक्स देना पड़ता है और हमारी जो टर्न ओवर है लगभग 20,00,000 करोड़ रुपये के आसपास है, तो इस सरकार का ढांचा अगर किसान का टैक्स नहीं आएगा, अडानी अंबानी को लाभ देने के लिए इन प्राइवेट मंडी को फ्री कर दिया, अगर ये टैक्स ना आएगा तो इस देश का किस तरह से काम चलेगा। हमने बार बार पूछी भी है, एक RSS का साथी मिला था उसे भी मैंने ये प्रश्न किया था। उससे दूसरी बात, आज अंबानी के मॉल में 1 किलो बाजरा 46 रुपये में बिक रहा है जिसमें 2% छूट भी है। कल अगर यही कंपनियां यहां स्थापित होगी तो गरीब आदमी किस तरह से अपनी रोजी रोटी का काम चलाएगा? ये बिल्कुल काले कानून है। सरकार से हम बार बार यही अपील करते हैं कि इन कानूनों को वापस ले लो। नहीं, दूसरी बात आय दोगुनी करने की, अगर सरकार किसान की आय दोगुनी करनी चाहती है तो कानून से आय दोगुनी नहीं होगी, किसान की आय दोगुनी होगी। किसान को अच्छे बीज दो, किसान को खाद दो, किसान को नहरों में पानी दो, किसान को सस्ती बिजली दो, किसान को सस्ता डीजल दो, किसान के ट्रैक्टर पर सस्ते लोन करो, किसान की सहायता के लिए सस्ते लोन दो, आय दुगुनी तो तब होगी किसान की। 3 बिल लगाने से अगर आय दुगुनी होती हो तो ये किसान कोई पागल थोड़ा ही है जो रोडों पर बैठा है। इसलिए हम सरकार से बार बार यही अपील करते हैं कि तीनों के तीनों कानून रद्द करे, MSP की गारंटी दे, MSP का कानून बनाए।